of Mumbai, where there are enough and more urban poor who needs spine care, but also rural patients in the rural parts of this country who need care in different forms. The aim of this group is to actually provide with simple, safe, and cost-effective care to look after the spinal ailments of a population at large. This day, we are organizing an art exhibition which was conceived by our mentor, Dr. Shekhar Bhojraj, where the aim was to amalgamate art with spine care. The fundraising which comes out of this exhibition is going to be used as a part of the funds that come out of this art exhibition is aimed to be given to the Spine Foundation, which in turn will reach the needy. This is conducted over a two-day period, yesterday and today, and it is organized in this Nehru Science Center from 10:30 to 7:30. We invite all to be a part of our journey. तो शुरुआत में हमारी जो आय होती थी वो कहीं डोनर्स के थ्रू आती थी उसका मतलब बड़े कॉरपोरेट्स बोलिए पेशेंट्स बोलिए जो हमारी बड़ी अस्पताल में ऑपरेट किए जाते उनके थ्रू आ जाते अभी इतने सालों के एंडिवर से हमारी एक कॉर्पस बनी है जिसको हम नीडी पेशेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं नया ये भी हमारा प्लान है कि जिन व्यक्तियों को डोनर होकर कुछ प्रोवाइड करना हो उनको हम उस सेंटर या जो जगह रूरल एरिया में होगा उनके लोकल मैनेजमेंट या लोकल बॉडीज के साथ इंटरेक्ट करने दें ताकि हम एक फैसिलिटेटर के तौर पर हम एक मददगार के तौर पर रहेंगे बट जो भी फंड्स आएंगे वो इवेंचुअली हमारे लोकल बॉडी तक पहुँचाई जाएगी ये हमारी मकसद है आगे बिल्कुल सो इससे पहले चार एग्जीबिशंस हो चुके हैं ये पांचवा रहेगा बॉम्बे कोल्हापुर पूना इन जगहों पे हो चुका है एग्जीबिशन और सबका मकसद यही था कि हम लोग आर्ट के जरिए लोगों को इकट्ठा लाए जो डोनर्स हमारा काम देख के इसे रिप्लिकेट करना चाहते हैं या डोनर्स हमारे स्पाइन फाउंडेशन में हाथ बढ़ाना चाहते हैं दे आर मोस्ट हैप्पी एंड दे विल बी अप्रिशिएटेड इफ दे कम अलोंग मान लीजिए किसी को स्पाइन का इशू है और आपके थ्रू कॉन्टेक्ट करना चाहता है या इलाज करवाना चाहता है मिनिमम से मिनिमम सो जो बॉम्बे बेस्ड होते हैं अर्बन पोर जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हम लोग वी एन देसाई सांता क्रूज में म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल में अटैच्ड है वहाँ हमारा एक फुल्ली फंक्शनिंग यूनिट है हमारे लिए एक स्पेशल ओटी है सो वहाँ हम उनके लिए 3 times a week अवेलेबल रहते हैं हमारे ओटी डेज ओटी यूनिट और ओटी फंक्शनिंग यूनिट काम करता है तो इन बॉम्बे जैसे हम लोग अर्बन पुअर कहते हैं वो लोग वहाँ पे टोटली एक्सेस कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी हम लोग कैंप्स टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं लोकल फैसिलिटीज़ चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या सिविल हॉस्पिटल हो जहाँ पर भी कोई कॉम्प्लेक्स केस हो तो उसे हम लोग बॉम्बे आके उसका कम्प्लीट ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं मगर अगर कोई डिफरेंट हॉस्पिटल्स जैसे हम लोग म्युनिसिपल हॉस्पिटल बोलो सिविल हॉस्पिटल्स बोलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बोलो तो वहाँ पर भी हम लोगों को ट्रेन करते हैं और इवेंचुअली एम वही रहेगा कि हम लोग जो वहाँ पे जाके सर्जरीज करते हैं उसमें हमसे वो ट्रेनिंग यूज़ करके इवेंचुअली वो लोग भी अपने आप ही काम करने लगे सो रूरल पुअर के लिए ये जो 3 hospitals बोले हम लोग सिविल हॉस्पिटल बोले या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोले या टीचिंग हॉस्पिटल्स बोले वहाँ पर भी आउटरीच करके रेगुलर कैंप्स करके एवरी 3 to 4 months कैंप्स करके वहाँ के रूरल पुअर को हम लोग सर्व करते हैं
बेसिकली ये है कि जो किसी तरह से हमारी ये प्रोसेस या जर्नी या ये जो प्लान है उसमें मदद कर पाए, उनकी मदद हम राइटफुली वहाँ तक पहुँचाए जिनको उसकी ज़रूरत हो, न कि वो कहीं भटक जाए। ये हमारी एक्चुअली मकसद है बेसिकली। के प्रॉब्लम्स लोगों को लगता है कि सिर्फ अर्बन सिटीज़ और वाइट कॉलर वर्कर्स में आते हैं, बट सचमुच वो एक्चुअली रूरल ग्रास रूट लेवल लोगों में आते हैं। और इंडिया में सबसे कॉमन कॉज डिसेबिलिटी का बैक प्रॉब्लम्स है, और उसकी वजह से यंग हेल्दी पीपल जो ब्रेड विनर्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी आधुनिक इलाज होता है जिसके लिए बड़े शहरों का की ज़रूरत होती है, लेकिन हमको वो लोगों तक पहुँचाना है। आपको पता है कि स्पाइन सर्जरी का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है स्किल्स के अलावा। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम रकम इकट्ठा करके ये लोगों तक ले जा पाए, और ये चीज़ हम लोगों ने 24 साल पहले शुरू की, जो पिछले 10 सालों से एकदम परफेक्टली बढ़िया से हो रही है, बिकॉज काफ़ी अच्छे अच्छे डोनर्स और काफ़ी अच्छे दिल वाले लोग हमारे सामने आके डोनेट कर रहे हैं। और ये आर्ट एग्जिबिशन एक ये मोडालिटी है जिसमें हम ऐसे पैसे इकट्ठा करते हैं डोनर्स के, इसका खर्चा डॉक्टर भोजराज खुद करते हैं और उसका सब प्रोसीड्स फाउंडेशन में डालते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। यस प्रियंक, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? या एंड द थिंग इज दैट आर्ट इज अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी। सो अपार्ट फ्रॉम अ फंडरेजर, इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड awareness campaign. People know about such services being existent in the country. There are so many people who don't know where to go if they are lacking in funds, and especially these influential people have so many domestic help, so many, you know, drivers, watchmen, and their extended families who need help. So by this we are also raising awareness that such type of services are available in our country at the different reaches of the country. Yeah. और डॉक्टर्स की एक स्टैंडिंग होती है सोसाइटी में, तो अच्छे डॉक्टर्स का अच्छा इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, और जो डॉक्टर्स कहते हैं वो लोग मानते हैं बिकॉज उनका अभी भी इमेज अच्छा है। तो इसी वजह से इतने सारे फॉलोअर्स आए हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी आके गए, और काफ़ी सारे बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़, आर्ट्स पर्सनैलिटीज़ आए हैं। तो उनका आना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उससे, जैसे डॉक्टर प्रियंक ने कहा, अवेयरनेस हो जाती है और लोगों को पता पड़ जाता है कि ऐसे कुछ फाउंडेशन है, और फिर लोगों की जो इच्छा है वो सामने आके हेल्प करते हैं। एक साधु प्रयागराज से ऑल द वे बॉम्बे आए बिकॉज उन्होंने सुना था दैट स्पाइन फाउंडेशन का एक हॉस्पिटल है बॉम्बे में, जहां पेशेंट को एडमिट करके वो एक्सरसाइज करवाते थे। इनका ऑपरेशन हो गया था वहां पे, बट वो बेचारे एक साल से चल नहीं पा रहे थे। सो आई एम श्योर जो हम कर रहे हैं वो इट इज़ गोइंग टू द पब्लिक, बिकॉज कोई और स्टेट से एक पेशेंट ने सुना हमारे बारे में एंड दे हैव कम हियर, एंड आई थिंक वी कंसिडर दैट अ बिग सक्सेस। और इंडिया ऐसा कंट्री है जो इतना मैसिव है और उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना है ना, इंटरनेशनल ट्रैवल जैसे बड़ा हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश से मुंबई आना ईजी बात नहीं है। तो हम लोग की एंडेवर है कि हम उनके पास जाए, और ऐसे अभी हमारे 20 से ऊपर सेंटर्स हो गए हैं, और वो छोटे छोटे शहरों में, और वो पूरे इंडिया को मैप कर रहे हैं, लेकिन अभी और कम से कम 20-25 और बाकी है जो धीरे धीरे करके शुरू हो गए, बिकॉज उसमें काम बहुत बहुत टिकाऊ करना पड़ता है, वो काम छोटा मोटा नहीं चलता, तो उसमें पूरा स्टडी करके फिर वो सेंटर्स डेवलप करते हैं। बट होपफुली आते 2 साल में और 20 सच सेंटर्स हो जाएंगे। एंड फर्स्ट स्पाइन सर्जन आहेत आणि ही इज बीन एन आर्टिस्ट सिंस हिज कॉलेज डेज, तेव्हापासून ही इज बीन ड्रॉइंग अँड स्केचिंग। तर ते आम्ही बघितलं होतं अँड वी टोल्ड हिम वी सर वी शूड डू सम काइंड ऑफ एक्झिबिशन और, तर जेव्हा त्यांना हे लक्षात आलं की ह्याच्यातर्फे स्पाईन फाउंडेशनबद्दल माहिती लोकांपर्यंत जाईल थ्रू द हिज आर्ट, कारण सगळ्यांना ते डॉक्टर आणि सर्जन म्हणून माहिती आहेत पण दे डोंट नो हिम ॲज अन आर्टिस्ट। सो दिस वॉज अ वे टू इंट्रोड्यूस हिम टू द वर्ल्ड ॲज अन आर्टिस्ट, अँड लोकांना ती कुतूहल असतं आणि उत्सुकता असते की एक एवढा नोन आणि स्पाइन सर्जन कॅन बी अ गुड आर्टिस्ट, आणि म्हणून लोक येतात त्या कुतूहलानी आणि क्युरिओसिटीनी, आणि वी कॅन टेल पीपल, दिस अ न्यू वे ऑफ टेलिंग पीपल अबाउट द स्पाइन फाउंडेशन अँड इट हॅज वर्कड। आम्ही वी हॅव डन अ लॉट ऑफ एक्झिबिशन्स, पहिलं झालं एक्झिबिशन्स ते आम्ही मुंबईत केलं, पुण्यात केलं आणि कलकत्त्यात केलं, आणि जेव्हा कोविड डेजमध्ये लॉकडाऊनमध्ये सर वर्कड ऑन अ लॉट मोर आर्ट वर्क्स, आणि दिस इज अ सेकंड एक्झिबिशन
ऑल न्यू वर्क आणि दुसरं सेकंड पुस्तक आहे की तेव्हा एक पुस्तक केलं होतं आणि आत्ता एक पुस्तक केलं आहे. सो आय होप पीपल लाईक इट. खूप रिस्पॉन्स चांगला मिळाला आहे आणि आज अजून अर्धा दिवस आहे. लेट्स सी हाउ इट गोज. आय कॅन टेल यू इन सिम्पल वर्ड्स. काल आपले CM आले होते उद्धव ठाकरे, ते म्हणाले जेव्हा मला कळलं की हे स्पाईन सर्जन आर्टिस्ट आहेत तर आय सेड ओके आय विल गेट ऑपरेटेड बाय, बिकॉज ऑब्व्हियसली द हँड्स इज द सिक्रेट. सो इट्स व्हेरी नाईस टू सी अँड सच अ वेल नोन पर्सन. एव्हरीबडी नोज हिम, सगळ्यांना ते माहिती आहेत अँड सच सक्सेसेस वी सी. एवढे पेशन्स आले त्यांचे, पण व्हेरी हम्बल पर्सन, व्हेरी डाऊन टू अर्थ. त्यामुळे इज इज ॲब्सोल्युटली ग्रेट मॅन. आणि त्यांचं काम ते कसं करतात, गावागावातून जातात काम करतात, जस्ट बाय एक्झिबिशनमध्ये बघून तुम्हाला कळेल तो माणूस एक मिनटंही बसत नाही. अँड लाईक पीपल कम अँड आस्क अस वाय डोंट यू सिट फॉर अ व्हाईल, तर आम्ही त्यांना तेच सांगतो की सर जर बसत नाहीत खाली तर आम्ही कसं बसणार, तर मग ते उभे असतात मग आम्ही उभे होत. नहीं तो स्पाइन फाउंडेशन ऐसी संस्था या फाउंडेशन है जो गरीब लोगों का इलाज करती है, जांच करती है और उसके बाद जांच होने के बाद इलाज करती है. वो एक्सरसाइज से हो, दवा से हो या सर्जरी शस्त्रक्रिया से हो, तो ये तीनों हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट होती है. तो उसके लिए स्पाइन फाउंडेशन बनाया गया है कि भारत में 70-80% तक के लोग गाँव में रहते हैं और वो ये स्पाइन सर्जरी या स्पाइन केयर जो बोलते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो उसके लिए फाउंडेशन की स्थापना की गई जिससे कि उनका इलाज हो सके. दूसरी बात है कि उनका इलाज तो हो जाएगा मगर वो हमारे स्पाइन सर्जन या स्पाइन तक पहुंच नहीं सकते. इसके लिए स्पाइन फाउंडेशन का दूसरा एम है कि उन तक पहुँचे. तो जैसे बम्बई में बैठ के अगर बोलेंगे कि गांव के लोग हमारे पास आए हम लोग करेंगे, वो नहीं होगा. इसके लिए हम लोग गांव में जाके उनको ढूंढते हैं, उनका इलाज का जांच करते हैं और इलाज के बारे में उनको सलाह देते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो उनकी सर्जरी भी करते हैं. तो ये बेसिक स्पाइन फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट. सर यस्टरडे उद्धव ठाकरे सर भी आए थे एंड उद्धव ठाकरे जी तो हमारे पुराने वैसे दोस्त रहे हैं और पिछले साल से हमारे पेशेंट भी रहे हैं और उनका एक खासियत है कि वो भी बड़े आर्टिस्ट है और फोटोग्राफर है. तो इसके लिए हमारी दोनों का थिंकिंग काफ़ी सिमिलर है. तो वो भी एग्जीबिशंस करते हैं, वो भी किताब प्रिंट करते हैं. तो जब उन्हें पता चला कि हमारा एग्जीबिशन है तब उन्होंने वक्त निकाल के यहाँ आने का अरेंजमेंट किया और बिज़ी शेड्यूल में आपको तो पता है कितना बिज़ी शेड्यूल है उसमें आके सिर्फ आके नहीं गए, हर एग्जिबिट के ऊपर चर्चा हुई और वो जानना चाहते थे उसके पीछे हमारा क्या विचार है और ये सब क्या कर रहे हैं. तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण था. एग्जीबिशंस जो आपके कुछ और हुए हैं और भी होने वाले उस बारे में अगर आप बता दीजिए किस तरह फ़ायदा हो रहा है. तो ये एग्जीबिशन हमारा सबसे पहला 2019 में हुआ. वो पहला एग्जीबिशन भी यहीं हुआ था नेहरू में, मगर उसमें कई साल की जो कलाकृति थी एग्जीबिट्स थे उस पे ऊपर वो बनाया था और तब एक नया किताब भी छपा था आर्ट बुक. और वो एग्ज़िबिशन काफ़ी सक्सेसफुल होने के कारण हम लोग को पूना लेके गए, बाद में कलकत्ता लेके गए और फिर कोल्हापुर में भी किया था. और बीच में कोविड आने के कारण काफ़ी सब एक्टिविटी बंद हो गई थी. तो कोविड के दरमियान वो पीरियड में नया विचार हुआ और नया आर्ट का कला का विचार हुआ. और ये जो आप ये एग्जीबिशन में जो देख रहे हैं वो पूरी नई एग्जीबिशन है, मतलब पुराने से इसमें कुछ नहीं है. तो पुराना छोड़ के नया वाला एग्जीबिशन बन गया और साथ साथ एक नया किताब भी बन गया आर्ट बुक. तो ये दोनों का रिलीज़ ये टाइम यहाँ हुआ. लास्ट सवाल है,
20+ centers इस पाइन फाउंडेशन के सर ने बताया कि आगे किस तरह से आप इसे लेकर जाना चाहते हैं, किस तरह से सपोर्ट चाहते हैं, अगर सरकार भी दे या लोग भी दे इस बारे में? नहीं, ये सेंटर अभी हमारा काफ़ी मॉडल जैसे हो गया है, तो ज़रूरत तो काफ़ी ज़्यादा है। ये ड्रॉप इन द ओशन कहते हैं कि हमारी एक्टिविटी अच्छे काम की शुरुआत है, मगर इसको काफ़ी आगे बढ़ाना है और हमारा प्रयास है कि ये सब स्टेट्स में सब जगह ये बने। और हमें गवर्नमेंट की काफ़ी इसमें मदद मिल रही है, क्योंकि काफ़ी जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है आजकल, ज्योतिबा फुले, आयुष्मान, जो भी है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। पहले तो हमें सब पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट भी करना था और पैसा भी खर्चा करना था, मगर कई जगह पे अभी खाली हमारा एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ज़रूरत है, खर्चा गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी जगह पे निकल रहा है, तो वो अच्छी बात है। सर, पेंटिंग में जो थॉट्स हैं काफ़ी नेचर के, तो ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? थॉट्स कहाँ से आते हैं? दिमाग से आते हैं। एक्चुअली निसर्ग या नेचर को देखने की जो वृत्ति है, आई मीन द वे यू लुक एट नेचर, सब लोग सब चीज़ देखते हैं, मगर जो देखते हैं उसमें से कोई कुछ आइडिया या कोई थॉट निकालो, वो तो इनबॉर्न है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर आपने एग्जीबिशन देखा होगा तो वो कुछ आर्ट वाइज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे कुछ बड़ी पेंटिंग है या कैनवास पे काफ़ी दिन किया हुआ पेंटिंग, ऐसे नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स और सिंपल स्केचेस है, उसमें कॉन्सेप्ट्स और थॉट प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेंटिंग एज सच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं पसंद करता हूँ। इसमें मल्टीमीडिया का असर किया हुआ है, इसमें स्केचेस है, फोटोग्राफ्स है, दोनों के मिक्सचर है, और ये पूरा का पूरा एग्जीबिशन, अभी तक जो 5 एग्जीबिशन हुए और दोनों बुक बने, वो पूरा आईफोन पे किया हुआ है, पुराने आईफोन पे, इसमें कुछ बड़ी कैमरा का यूज़ नहीं किया है, कुछ नहीं, तो आईफोन पे लेके डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ उसको किया गया है, तो खर्चे वाली बात ज़्यादा है ही नहीं। सर, अभी तक 24 सेंटर आपने खोले ग्रामीण और आपके क्या प्लान और कौन से सेंटर आप खोलने वाले इसके बाद में? नहीं, अभी जो सेंटर्स चल रहे हैं उसमें और काफ़ी कुछ काम करना है। कि सेंटर खोलना कुछ इजी बात है, उसको चलाना और उसको ज़्यादा इफेक्टिव करना, क्योंकि एक सेंटर का जो रीच है वो बढ़ाना उसमें है, ऐसे नहीं कि 100 सेंटर खोल के बैठो और किस में सब में आधा आधा काम हो जाए, तो नंबर ऑफ़ सेंटर्स बढ़ाने से ज़्यादा जो चल रहा है उसको ज़्यादा इफेक्टिव करना इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हम लोग गढ़चिरौली में वो एक बड़ा सेंटर बना रहे हैं, जहाँ सोशल आउटलुक जो है तो लहानपणापासून आम्ही बघितलेला आहे, तो जेव्हा ग्रो होत होता तेव्हा कित्येक पेशंटना त्यांनी स्वतः औषधं देऊन मदत केलेली आहे, आणि आता त्याच टॅलेंटचा तो ह्याच्यासाठी खूप चांगला उपयोग करतो आहे आणि खूप चांगली पेंटिंग करतो। आम्ही लहानपणापासून तो पेंटिंगमध्ये खूपच जास्त चांगला होता। तुमचे फाउंडेशन जितक्या जोरात चालले त्याबद्दल तुमची काय थोडीशी कार्य होणार आहे का, मग तुमच्याकडून काय त्यांच्यावर काय बोलू शकाल का त्याविषयी? फाउंडेशनचं काम त्याचं खूप युनिक आयडिया आणि केवळ त्याच्या सोशल आउटलुकमुळेच त्यांनी ते सुरू केलं आहे, आणि त्याचा तो जो ड्राईव्ह आहे त्या ड्राईव्हमुळेच असं होतं, नंतर एवढे चांगले डॉक्टर बाहेर जाऊन मुद्दाम काम करण्यासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत, पण त्याच्या कधीच लहान याच्यापासून कधी पैशाकडे त्याचा हे नव्हता थोडा, आणि ते त्याच्या वडिलांपासून मी बघतो, त्याचे वडील पण असेच होते, सिंपल घर सगळे सिंपल, त्याचे वडील त्याचे बहीण सगळेच डॉक्टर आहेत आणि सगळ्यांचा सेम आउटलुक आहे त्याच्या। माझे मित्र सुहास म्हात्रे यांनी म्हटल्याप्रमाणे, माझं नाव संजय गात, आणि त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही शेखरला मी 4th पासून ओळखतो आहोत। सुरुवातीला शाळेत म्हणजे थोडंसं असं मस्तीखोर असा मुलगा होता तो, परंतु लहानपणापासून आम्हा सर्वांचं आम्ही जे क्लोजली नेट असं म्हणतात म्हणता येईल अशा मित्रांचं आमचं एक हे होतं की गरिबांकरता काहीतरी देशामध्ये आपण सर्वांनी काहीतरी करायचं। आता आम्ही आपल्या आपल्या परीने जे काही करू शकतो ते करतो आहेत, परंतु त्या याच्यामध्ये यशस्वी फक्त शेखर झालेला आहे। शेखरने जे करून दाखवलेलं आहे त्याच्या मेडिकल याच्यामुळे एक्सपर्टीजमुळे
आणि त्यानंतर त्याने ज्या सोशल आउटलुक जसं म्हणाले सुहास म्हात्रे त्याप्रमाणे त्याने त्याच्या सोशल आउटलुकमुळे त्याने जे एक प्रकारे हे केलं म्हणजे जी गरिबांची सेवा करण्याचं जे स्वप्न आम्हा सर्वांचं होतं ते आमचं स्वप्न देखील त्याच्या स्वरूपाने पूर्ण झालं असं आज आम्हाला म्हणता येईल म्हणजे आणि खरोखरच स्पाईन फाउंडेशन आज गडचिरोळीमध्ये वगैरे जी इम्पॉसिबल वाटणारे ज्या सर्जरीज वगैरे ज्या त्याने घडवून आणलेल्या आहेत आणि इतकं फॅन्टास्टिक सक्सेस त्याने मिळवलेलं आहे असं हे काही म्हणजे गेल्या एक्झिबिशनला इथेच झालं होतं त्यावेळेला त्याचं हे डिस्प्ले पिक्स वगैरे पाहिले होते आम्ही असं एक छातीत कुबड आलेली माणसं वगैरे जे की अदरवाईज इनक्युरेबल वाटावीत आपल्याला तर ती त्यांच्या सर्जरीज करून त्याने आणि गावोगावी जाऊन ट्रक्समध्ये घालून लोकांना क्लिनिकमध्ये घेऊन यायचं मग त्यांना कन्व्हिन्स करायचं की तुम्हाला ही करू आणि त्यानंतर त्यांच्यावर सर्जरीज करून त्यांना आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑफ वो उन्होंने खुद सब बनाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्री कोविड कोविड के बीच में इनकी ये दूसरी पुस्तक है इसका एक विशेष चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका पूरा खर्चा सर खुद के खर्चे से कर रहे हैं और जो भी आएगा इनका जो इसमें एग्जीबिशन का जो भी एग्जिबिट ये होने के बाद वो सब फाउंडेशन को जाएगा सो दैट इज़ द ग्रेटनेस अबाउट दिस के एवरीथिंग गोज टू द फाउंडेशन और फाउंडेशन का सबसे बड़ा चीज़ जो हमने सर से सीखा है कि एवरी मनी गिवन टू अस इज स्पेंट ऑन द पेशेंट देयर इज नथिंग इन बिटवीन सर मैं सर के टीम में मेनली रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट हूँ और मैं अभी 15-16 साल से सर के साथ हूँ अभी सर्जन्स में बहुत इंडिया में ऐसा कंसेप्ट है कि सर्जरी करने के बाद आगे क्या देखने का ये ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है इंडिया में रिहैबिलिटेशन बाहर बहुत ज़्यादा है तो सर और सर की टीम मेन ऑपरेशन के बाद भी वो पेशेंट को कितना फ़ायदा होता है इसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और इसके लिए रिहैबिलिटेशन को उनके हर ट्रीटमेंट का एक कंसेप्ट बनाया हुआ है सर ने और अभी हमने हर जैसे बॉम्बे जैसे सिटीज़ में तो बहुत रिहैबिलिटेशन के सेंटर्स है बट गढ़चिरौली सितली की हर जगह पे हम लोग जाके ये जो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको एक्सरसाइजेस के हेल्प से कैसे ट्रीटमेंट देने का जैसे सर ने बोला कि हर एक को स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक्सरसाइजेस से कमर का दर्द या गर्दन का दर्द ठीक हो सकता है उनको कैसे आइडेंटिफाई करने का जैसे हम लोग एक फ़िल्टर बना रहे हैं तो वो 80% पॉपुलेशन जो रहता है उनको तो बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट हो सकती है और इसलिए हम लोग रिहैबिलिटेशन के माध्यम से गढ़चिरौली में और बाकी जगह पे ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम लोग लोगों को या फिर हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन कर सके कि ये वाले पेशेंट्स जो ठीक हो सकते हैं उनको कैसे ठीक करने का और उसमें से किसको सर्जरी की ज़रूरत है उनको कैसे आइडेंटिफाई करके डॉक्टर्स तक पहुँचाने का